Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Uttar Pradesh ke Mukhyamantri Yogi Adityanath ne Pradesh ki janta se spasht pucha ki unhe danga, curfew wadi sarkar chahiye ya fir kanun vyavastha wali sarkar. Unhe bhrasht sarkar chahiye ya fir zero tolerance ki sarkar. सपा बसपा पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग प्रदेश को कर्फ्यू देते थे जबकि उनकी सरकार कांवड़ियों पर पुष्प बरसा रही है। वहीं एनडीए गठबंधन के बाद पहली बार चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से निकले पैसे का 15% ही निचले स्तर पर पहुँचता है, लेकिन एनडीए सरकार से आज जो निकलता है वो लाभार्थी तक सीधे जाता है। यही तो चौधरी चरण सिंह का सपना और विचार था। देखिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। बहन और भाइयों, मैं आभारी हूं और उत्तर प्रदेश आभारी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 के बाद देश की तस्वीर और तकदीर को बदल करके हम सबको, वर्तमान और भावी पीढ़ी को एक नए भारत का दर्शन कराया है और हम सब आभारी भी हैं। कल ही किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री परम सरदेव चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का सम्मान दे करके आपने किसानों का जो सम्मान किया है, पूरा उत्तर प्रदेश और देश का अन्नदाता किसान इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करता है। ये हमारा सौभाग्य है कि देश जब अपनी आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है तब इस देश को यशस्वी नेतृत्व के रूप में 10 वर्ष से मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व प्राप्त हो। पूरे देश के अंदर आज एक ही आवाज है और वह आवाज जो आज देश के अंदर जुड़ रही है, जो देश ने देखा अपनी आंखों से, युवाओं के लिए आजीविका भी है तो उनकी आस्था का सम्मान भी है। और मित्रों, हम सबको तय करना है कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड़ यात्रा चाहिए, और यह हम सब इस बात को जानते हैं, यह देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए आवास, मोदी की गारंटी का मतलब 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय की व्यवस्था, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की व्यवस्था, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, ये मोदी की गारंटी देश के अंदर एक स्वर से बोल रही है कि फिर एक बार मोदी सर्दी की गारंटी है। जो कहते हैं वो करके रहते हैं, और मोदी जी की गारंटी पर यूपी को यकीन है, भारत को भरोसा है, क्योंकि मोदी जी मात्र सपने नहीं बुनते, क्योंकि मोदी जी ने जो करके दिखाया है हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो लोग बार बार मोदी जी को चुनते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय इस क्षेत्र ने उनकी दंगा पॉलिसी को झेला है, उनके कर्फ्यू के उन यातनाओं को झेला है। और बहनों भाइयों, जब भी ये समाज जाति के नाम पर बटा होगा, तमाम
परिवारवादियों के माध्यम से समाज को बांटने का कुछ ही चेष्टा होगी, उसका खामियाजा ये दंगावादी और कर्फ्यूवादी लोग उठा करके न केवल आपकी आजीविका पर प्रहार करेंगे, बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा पर प्रहार करेंगे, बल्कि इनके माध्यम से यहां के विकास को बाधित करने का भी प्रयास होगा। ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव उन लोगों को फिर से सही जगह दिखाने का समय है जिन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है, माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है, और मेरठ इसके लिए आभारी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मेरठ में विकास की इतनी सारी सौगातें दी हैं, 12 लेन का हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे हो या रैपिड रेल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो या ओडीओपी के माध्यम से यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता प्रदान करने का कार्य हो, यहां की कनेक्टिविटी को चाहे वह रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे वह रेल की हो, चाहे वह एयर कनेक्टिविटी का हो, इन सबको एक नए आयाम की ओर जहां आप ले जाने का काम किए हैं, वहीं साथ ही साथ इस क्षेत्र में आपके मार्गदर्शन में अन्नदाता किसानों के लिए भी जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, मात्र 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उनके खातों में देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हो पाया है। इससे पूर्व रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने यह कहा, खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।